हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द पैक्स क्लासेस में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। देखो दोस्तों, हमारा एक जो टॉपिक चल रहा था वो रेल परिवहन से चल रहा था। हमने कल एक रेल परिवहन के बारे में एक क्लास की थी, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे और कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज करेंगे दोस्तों। जो अपना सेकंड पार्ट उसमें हमें आज जो रेल परिवहन से रिलेटेड दूसरा पार्ट है उसके बारे में आज हमें पूरी चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। देखो लाइक का बटन दबा दिया करो, क्या जाता है लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं, एक सेकंड लगेंगे और इसे क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है कि भाई बच्चे थोड़ा सा लाइक कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। तो एक बार लाइक करना, शेयर भी कर लेना दोस्तों। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप अभी शेयर करो, लेकिन अगर आपको क्लास बढ़िया लगती है तो क्लास ज़रूर शेयर करना अपने स्टडी ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस जिसको पढ़ना है वो ज़रूर देखेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक बार अपना फ़र्ज ज़रूर निभाए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, रेल परिवहन के बारे में हमने बताया था भाई, इसका पिता बता दिया था, उसके बाद विश्व में सबसे पहले ट्रेन कहाँ पर चली थी भारत के बारे में बता दिया था, ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो इसमें जो स्टार्टिंग करते हैं भाई, सबसे लंबी यात्रा तय करने वाली ट्रेन कौन सी, सबसे लंबी यात्रा तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी यात्रा तय करती है, यानी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ही कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, यानी डिब्रूगढ़ असम में, असम से लेकर फिर नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी तक ये आ जाती है दोस्तों। कितनी किलोमीटर है, तो ये 4286 किलोमीटर है दोस्तों, 4286 किलोमीटर है विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है दोस्तों। अब हम देखो रेल से संबंधित और दो तीन क्वेश्चन देखते हैं कि स्लोगन क्या है, अपना जो भारतीय रेल है इसका स्लोगन क्या है दोस्तों। तो देखो रेल का जो स्लोगन है वो है लाइफ लाइन इन द इंडिया, इन द इंडिया इंडिया दोस्तों, लाइफ लाइन इन द इंडिया। अब क्वेश्चन आता है जो अपना रेल है, रेल का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो एक आपने देखा होगा कि एक भालू है वो टोपी लगाकर और एक हाथ में लालटेन लिया है दोस्तों, तो वो भालू भालू है, उस हाथ में उसे भालू का नाम है भालू है दोस्तों, तो उसका याद रखना, पूछ लेता है कई बार सिंपल सा दे देगा भाई, एक भालू जिसके हाथ में लालटेन है, तो ये ध्यान रखना वो उसका अपने भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह है। और देखो और बात आती है भारतीय रेल के बारे में कि इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है भाई, भारत का पहला पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन, यानी भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिस पर सभी महिलाएं काम करती हैं, यानी छोटी से छोटी पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी जो पद हैं उन पर कौन काम करती है दोस्तों, महिलाएं काम करती है। तो भारत का पहला पूर्ण महिलाओं से संचालित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है दोस्तों माटुंगा रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है दोस्तों, ये मुंबई में है माटुंगा रेलवे स्टेशन जो पूर्ण महिलाओं से संचालित रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, पहला तो ये है, दूसरा और बन गया है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, तो वो है दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो जयपुर का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। जयपुर रेलवे स्टेशन पर कभी जाके देखना उसका नाम क्या है दोस्तों, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कभी ये कर दो गांधीनगर गुजरात वाला, नहीं वहाँ पर है वो, नहीं है दोस्तों, जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन वो जयपुर वाला रेलवे स्टेशन है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी पटरियों से संबंधित गेज, यानी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो रेल की पटरियाँ होती है उसमें कितनी गेज होती है, तो देखो इनकी जो गेज होती है, एक साइड हम पूछ लेते हैं, इनकी जो चौड़ाई होती है वो पूछ लेता है दोस्तों। देखो प्रमुख तीन होती है, मेन तीन ही होती है, लेकिन कई बार क्या दे देता है, कई बार चार दे देता है। तो देखो पहली है
कौन सी पहली मेन गेज बोल देते हैं जिसको, या फिर दूसरा क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, दूसरा ब्रॉड गेज भी नाम देते हैं। जैसे मेन गेज नाम आ जाता है अलग अलग बुक में, आपको अलग अलग मिलेगा, ब्रॉड गेज भी नाम मिल जाता है, मेन गेज भी नाम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉड गेज और जो ब्रॉड गेज है वो भाई 1.676 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं है दोस्तों ये चौड़ाई, यानी जो दो पटरियाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ब्रॉड गेज में आती है। दूसरी है मीटर गेज यानी मीटर की, एक मीटर, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है दोस्तों, 1 मीटर। उसके बाद जो तीसरी आती है नैरो गेज में कितने होते हैं दोस्तों, तो 0.762 मीटर, कितनी होती दोस्तों, 0.762 मीटर इसकी डिस्टेंस होती है। तीसरा के बाद जो चौथा आता है वो आ जाता है एक स्पेशल गेज और आ जाता है दोस्तों, यानी ये सबसे छोटी होती है स्पेशल गेज, और जो स्पेशल गेज है ये कितनी होती है दोस्तों, ये होती 0.610 मीटर। आपको पता है जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी तो इतनी बड़ी ट्रेन की आवश्यकता होती है, तो याद रखना सबसे बड़ी होती है ब्रॉड गेज 1.67 मीटर, दूसरी होती है भाई मीटर गेज 1 मीटर की, और तीसरी होती है भाई नैरो गेज 0.672 मीटर की दोस्तों। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि एक यूनी गेज परियोजना शुरू हुई थी दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है भारत में यूनिगेज परियोजना का संबंध किससे है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में एक परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम है दोस्तों यूनिगेज। ये क्या है दोस्तों, तो जो छोटी पटरियां हैं, ये जो छोटी पटरियां हैं, इन छोटी पटरियों को बड़ी पटरी बनाने की एक परियोजना शुरू हुई थी। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल पहले अपनी साइड, तो 15 साल पहले ही ये हो गई थी कि जो छोटी लाइन थी ना उनको बड़ी लाइन बनाया था, यानी उनमें आदि में तो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करवाई थी और आदि में जो बड़ी लाइन बनवाई गई थी, तो किस योजना के तहत, यूनिगेज परियोजना के तहत एक वो जो छोटी लाइन उनको बड़ा बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद आगे है कि जो अपनी रेल है, इस रेल में बढ़िया सुरक्षा और दक्षता के लिए रेलवे ने किससे हाथ मिलाया भाई, इसरो से, यानी अपनी जो रेल है इस रेलवे में दक्षता को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसरो से इसने हाथ मिलाया, और इसरो ने इनको एक प्रणाली प्रदान की थी, इनके लिए एक प्रणाली तैयार की जिसका नाम है दोस्तों गगन, GAGAN भाई गगन। गगन प्रणाली क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले जी से बनेगा GPS, GPS एडेड जियो, उसके बाद ऑगमेटेड और नेविगेशन में, ठीक है दोस्तों। ये है गगन प्रणाली तैयार की थी इसरो ने, आपने देखा होगा अब तो ऐसे भी ऐप आ गए जिनमें आप अपने ट्रेन का नंबर डाल लो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा फिलहाल वो ट्रेन कहाँ पर है, कितने मिनट लेट है, कितनी देर में वो आप तक पहुंच जाएगी। देखो जो अपनी जो ट्रेन होती है खासकर नॉर्मल सी जो है, लगभग 5-10 मिनट तो नॉर्मल हर कोई, आज तक कोई मेरे मन से तो कोई ट्रेन फीस नहीं पहुंची होगी, 1 मिनट तो नॉर्मल है। लेकिन देखो जो जापान देश है, बताते हैं दोस्तों जापान देश में क्या है कि जापान देश इतना ज़्यादा विकसित होता जा रहा है कि यहाँ पर हर व्यक्ति के पास टाइम की कमी रहती है, वो देखो क्या सिस्टम है, यहाँ पर जो ट्रेन लेट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड लेट होती है, 18 सेकंड। हमारे लिए तो 2-4 मिनट तो नॉर्मल सी बात है, इतनी तो जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाए हैं तो भी इतनी तो लेट हो जाए इस वक्त, कोई दिक्कत को नहीं अपने लिए तो। लेकिन जो जापान के लोग हैं वो 18 सेकंड सबसे अधिक जो ट्रेन लेट होती है इनकी 18 सेकंड। जापान में बताते हैं दोस्तों कि जो उद्योग कंपनियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, इनकी ये बात सबसे बढ़िया लगी दोस्तों, इनमें उद्योग व कंपनियां बहुत ज़्यादा है। क्या सिस्टम है कि अपने तो जो जॉब करते हैं कंपनी में उनको महीने की जो तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तो हाफ टाइम होता है, उस हाफ टाइम में हम क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये बच्चे क्या करते हैं, मान लो इनका जो 30 मिनट का या 45 मिनट का या 1 घंटे का जितना भी हाफ टाइम होता है बीच में स्कूल में,
तो ये कंपनी पास की कंपनी में चली जाती है और 30 मिनट 45 मिनट जितनी देर काम करेंगे ना उस मिनट उस टाइम के भी इनको रुपए मिलेंगे, जिससे अपना जो दिनचर्या का खर्चा वो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ये ऐसे विकसित कैसे हुए, तो क्योंकि इनमें बचपन से ही सिखाया जाता है बेटा आप विकसित देश में हो, और उनको शुरू में ही क्या दिया जाता है, शुरू में ही कंप्यूटर लैपटॉप हाथ में दे दिया जाता है, बेटा तू कुछ न कुछ कर, उसको पता है भाई कुछ न कुछ छेड़ेगा तो कुछ न कुछ नया तो जरूर करेगा ही। तो ये चीज़ होती है, मोबाइल तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ है, कंप्यूटर लैपटॉप से बचपन से खेलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है बेटा आप एक विकसित देश में हो और वहाँ पर ये छोटी मोटी बातें तो होती है दोस्तों। तो देखो अब कितने ज़्यादा विकसित कर चुका है दोस्तों, ये विकसित हो गया है दोस्तों, अब ये ध्यान रखना इसके बारे में। चलो हम अपना टॉपिक भी करते हैं, कभी जापान के बारे में पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। वो देश है अपना, एक भारत ऐसा देश है जिसमें टेक्नोलॉजी चाहिए जापान जैसी, लेकिन मेहनत करके कोई राज्य नहीं है। देखो ये सिंपल सी बात है, अपने देश में सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं लोग, सरकारी नौकरी में 20,000 रुपये और प्राइवेट कंपनी में 50,000 रुपये। ठीक 50,000 रुपये वाला बंदा 20,000 की नौकरी के लिए अपनी 50,000 की नौकरी छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है दोस्तों, क्योंकि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी तो ऐश मिलेगी, यही ना, न काम करना न कुछ करना, ठीक देश जाओ वार्ड में, न काम करना कुछ नहीं करना। तो इसके लिए देखो यहाँ पर अपना 30,000 का नुकसान करवा के सरकारी नौकरी में लग रहा है दोस्तों, तो वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि जब सरकार में जाऊँगा सरकारी नौकरी लग जाऊँगा तो कोई कहने को नहीं, अपने खुद की मनमर्जी है भाई और कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए भाई आपने देखा वो बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति होते, तो ये ऐसे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं दोस्तों। तो छोटो आगे फिर कभी बताएंगे इनके बारे में। आगे देखो दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इनके बारे में। अब हम बात करते हैं मेट्रो रेल के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व में मेट्रो रेल कब चली और कहां पर चली। तो भाई विश्व में जो मेट्रो रेल चली थी वो 1863 में इंग्लैंड में चली थी दोस्तों। मेट्रो रेल कब चली थी, 1863 में इंग्लैंड में चली थी मेट्रो रेल। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है भाई भारत में पहली मेट्रो। तो देखो दोस्तों भारत में जो पहली मेट्रो चली थी वो 24 अक्टूबर 1884 को पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। कहाँ पर चली थी, कोलकाता में चली थी, कोलकाता में चली थी दोस्तों। पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में, कहाँ से कहाँ तक के, तो भाई दमदम से टालीगंज तक, दमदम से टालीगंज तक है दोस्तों, दमदम से टालीगंज तक चली थी। कितने किलोमीटर, तो भाई 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर ट्रेन चली थी जो दमदम से टालीगंज तक चली थी दोस्तों। उसके बाद देखो पहली ट्रेन तो ये चल गई 1884 में, उसके बाद दूसरी ट्रेन कब चली, तो दूसरी ट्रेन चली थी दोस्तों 24 दिसंबर 2002 को चली थी। कहाँ पर चली थी, तो दिल्ली में चली थी दोस्तों, दिल्ली में चली थी 24 दिसंबर 2002 को। और ये कहाँ पर, ये चली थी भाई सहाद्रा से 30,000 तक, भाई सहाद्रा से 30,000 तक चली थी पहली जो ट्रेन चली थी दिल्ली में। तो ध्यान रखना इसके बारे में पूछ लेता है, पहली ट्रेन चली थी 24 अक्टूबर 1884 को, दूसरी ट्रेन चली थी 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में चली थी। उसके बाद देखो दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ट्रेन यानी मेट्रोमैन के नाम से किसको जानते हैं, मेट्रोमैन के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों, तो ये श्रीधरन को, ई श्रीधरन को जानते हैं मेट्रोमैन के नाम से, पूछ जाता है क्योंकि इसने ही दिल्ली में मेट्रो चलवाई थी। तो पूछ लेता है एक ई श्रीधरन और एक मंगू सिंह का नाम भी आता है, तो ध्यान रखना इनके दोनों के बारे में पूछ लेता है दोस्तों। अब देखो मेट्रो के बारे में और क्या क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर जाते हो तो एक घड़ी लगी होती है, वो पहले ही बता देती है भाई कितनी देर में ट्रेन आने वाली, भाई कुछ सेकंड में, 2 मिनट में 5 मिनट में आपके पास ट्रेन पहुंच जाएगी। तो वो कोई नॉर्मल घड़ी नहीं होती दोस्तों, उनको बोलते हैं भाई सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स। ये जो
प्रणाली है, ये जो क्लॉक्स यानी जो घड़ी है ये जापान से ही ले आई गई है दोस्तों। ये पद्धति कहीं पता है नॉर्मल स्टेशन पे लगा दें तो वो घड़ी क्या बताएगी कि ट्रेन 4 घंटा लेट हो रही है या 5 घंटा लेट हो रही है या आवाज कौन नहीं, यही बताएगी। क्योंकि अपने नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे लगा दें तो बेचारी खुद ही पागल हो जाएगी, मैंने कब आओगे ट्रेन, खुद ही वेट करेगी। लेकिन मेट्रो में तो आपको पता है फिक्स होता है कि भाई 2 मिनट 3 मिनट 1-2 मिनट लेट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होती मेट्रो पे। लेकिन ये सिंक्रोनाइज घड़ी खासकर जो मेन है वो मेट्रो के लिए दोस्तों, ध्यान रखना भाई। मेट्रो रेल चली सबसे पहले 1863 में भारत में, 24 अक्टूबर 1984 में चली थी, और दूसरी चली थी भाई वो 2002 में चली थी, कितने दिल्ली में चली थी। एक क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके से आपको बताना है कि भाई हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी, हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी, तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अब अपने बुलेट ट्रेन की बात कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन मेन तो जब चलेगी, जब असलियत में चल जाएगी भारत में, तब मानेंगे भी भारत में चली, अभी तक तो ये प्रस्तावित है, इस पर काम चल रहा है दोस्तों। तो हम बात करते हैं भाई विश्व में सबसे पहले ये बुलेट ट्रेन कब चली, तो भाई कहाँ पर चली, कब चली, तो ये चली थी दोस्तों 1954 में जापान में, 1954 में जापान में चली थी दोस्तों बुलेट ट्रेन। कब चली थी, तो 1954 में बुलेट ट्रेन चली थी, तो ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में। जापान में क्यों, किसको कहते हैं बुलेट ट्रेन, क्योंकि इसकी जो रफ्तार होती ना, उस रफ्तार को बुलेट जो गोली होती उससे जब हमने उसकी मतलब तुलना की थी, इसलिए इसका नाम भी फिर क्या रखा गया, बुलेट ट्रेन। आम खास भाषा में बता देते हैं, या 200 या 250 300 किलोमीटर से जो स्पीड से ज़्यादा ट्रेन चलती है उनको बुलेट ट्रेन कहा जाता है दोस्तों। तो देखो इसमें भारत तो बहुत पीछे है, जापान व चीन इन दोनों के बीच में आपस में टक्कर रहती है भाई कौन तेज चलाई, तो अभी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन आ गई। अपने नॉर्मल चलती है भाई 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर चल जाएगी, ये होती है अपनी स्पीड। लेकिन जो जापान और चीन है उनमें जो ट्रेन चलती है वो 450 नॉर्मल 500 तक ट्रेन चलती है दोस्तों। भारत में बता रही है कि 15 अगस्त 2022 तक भारत में मेट्रो स्टेशन या मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। किसकी सहायता से, जापान की सहायता से चलाई जाएगी दोस्तों 2022 तक। तो देखते हैं 2022 में किस कहां से कहां तक है? तो मुंबई से और अहमदाबाद तक, मुंबई से अहमदाबाद तक चलाई जाएगी दोस्तों बुलेट ट्रेन दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि इस पूरे पार्ट को हमें अभी ख़त्म करना है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटर रेलवे के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो देखो आगे, अब आगे बात करते हैं, एक लिखो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जल परियोजना, रेल जल परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है, भारत में रेल जल परियोजना कहाँ पर शुरू की, यानी अब ट्रेन कहाँ पर चलेगी दोस्तों, पानी के अंदर कहाँ पर चलेगी दोस्तों, तो कोची में, कोची में चलेगी रेल जल परियोजना, रेल जल परियोजना चलेगी कोची में। तो पूछ लेते हैं इसके बारे में, तो बता देना कोची में चलेगी। अभी इसके बारे में ये प्रस्तावित अभी चल रहा है, इस पे काम, लेकिन अभी तक इसमें कोई नहीं, पानी के अंदर स्टेशन बनाकर वहां पर रेल चलाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच में चली, तो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चली दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच में। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच में चली दोस्तों, तो भारत व पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद आता है बंधन एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच में चली दोस्तों, तो वो है बांग्लादेश के बीच में। तीसरा पूछ लेता है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसके बीच में चली थी, तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वो दोस्तों बांग्लादेश के बीच में ही चलाई गई है, एक ट्रेन है ये, ठीक। समझौता एक्सप्रेस चली थी पाकिस्तान में, और ये कब चली थी, ये चली थी दोस्तों 1975 में जब आपातकाल लगा था और
उसके बाद 1976 में पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चली, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन चली थी दोस्तों 2008 में चली थी बांग्लादेश के बीच में, और मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वो बांग्लादेश और भारत के बीच में 2017 में ट्रेन चली थी दोस्तों, 2017 में ट्रेन चली थी, पूछ लेता है तो बता देना दोस्तों। उसके बाद आगे देखो रेल से और क्वेश्चन आते हैं, रेल भर्ती बोर्ड कितनी है, रेलवे भर्ती बोर्ड कितनी है, तो याद रखना दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड 21 है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, कितने मंडल है, मंडल कितने हैं तो 73 मंडल है, रेलवे में कितने मंडल है तो 73 रेलवे मंडल है। तो ये था आपका एक टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे से एकाधिक क्वेश्चन हमेशा देखा गया ऐसे इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस और भी क्वेश्चन बनते लेकिन ये इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों, आपको हर प्रकार से करवा दिया है। एक दो क्वेश्चन और रहेगी दोस्तों, अभी ध्यान आता है तो आपको बता देते हैं, कोंकण रेलवे पूछ लेते हैं इसके बारे में, कोंकण रेलवे के बारे में। तो देखो कोंकण रेलवे क्या होता है, जो कोंकण तट है ना अपना, उस कोंकण तट यानी मुंबई के रोहा से लेकर और कर्नाटक के मैंगलोर तक के जो रेल चल रही है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोंकण तट कहते हैं। इसकी लंबाई पूछी गई है एग्जाम में 760 किलोमीटर दोस्तों, 760 किलोमीटर है कोंकण तट की लंबाई, तो मुंबई के रोहा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक है। और पूछ ले भाई कोंकण तट का रेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पणजी में इसका मुख्यालय है, पणजी में इसका मुख्यालय है दोस्तों। तो ये था आज आपका टॉपिक, कैसा लगता है दोस्तों, इतने लगभग हमने 85 के आसपास से हमने क्लास आपको प्रोवाइड कर दी है, आप इसके लगभग सभी देखो दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो आपको, आपको इतनी विश्वास दिलाता हूँ आपको कुछ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जो आपको अन्य किसी बुक में या नेट पे नहीं देखने को मिला है। तो थैंक यू दोस्तों, अपने इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों।